हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं मोटो पावर का उल्लू वाला लाइट। आज एमटी में फिटिंग करने वाले। ये है उल्लू लाइट, हैवी वाला लाइट है ये, येलो वाइट मोटो पावर का है ये। ये हम एमटी में फिटिंग करने वाले हैं, आपको फिटिंग करके दिखाते। पहले आपको दो पट्टी लेने का है, पट्टी को आपको एल बना लेने का है, ऐसा एल बनाने के बाद यहाँ पे फिटिंग कर देने का है वेली में। आपको फिटिंग करके दिखाते हैं, आपको कहीं भी फिटिंग करना है, उसका वायरिंग बीरिंग जो चाहिए हम आपको बताएंगे कैसा करने का है। तो हमारा ब्रेकेट फिटिंग हो गया है, ऐसा एल बना के आपको ब्रेकेट फिटिंग करने का है दोनों साइड में। मोटो पावर अच्छा कंपनी है, हैवी वाला उल्लू लाइट है ये। आपको वायरिंग करके दिखाएंगे और कैसा परफेक्ट फिटिंग करते वो भी दिखाएंगे आपको। इसका ब्रेकेट है, तो हमारा उल्लू लाइट फिटिंग हो गया है। इससे लुक भी अच्छा दिखता है गाड़ी का और इसका फोकस भी अच्छा है। इसमें येलो भी है और वाइट है और बिलिंग भी करते हैं, तो येलो वाइट और ये बिलिंग करते हैं। जला के दिखाते हैं आपको, कुछ ऐसा दिखता है जलने में वो। आप हैंडल में भी फिटिंग कर सकते हैं, पर इधर अच्छा दिखता है एमटी में। फोकस देख लो, ये ब्लिंकर है। आप बटन जब बंद चालू करोगे तो अपने आप चेंज होता रहेगा। और इसका वायरिंग है, देखो आपको वायरिंग दिखाते हैं कैसा करने का है वायरिंग। तो फिटिंग करने के बाद आप वायर देखो, सबसे पहले ये वायर है एक, आप कहीं भी बॉडी में लगा सकते हो, मैंने इधर लगा दिया है। आईसी वो बाजू भी करने का है, और एक रेड वाला वायर है इधर ले जाके, उधर वाला भी रेड वाला वायर है, ये वाला भी रेड वायर, दोनों साथ में जॉइंट करके एक वायर निकाल के हेडलाइट के पास लेके जाना है, मीटर के पास। इसका अर्थिंग देखो मैंने इधर लगाया है, और रेड वाला दोनों वायर जॉइंट करके हेडलाइट के पास लेके आने का है एक्स्ट्रा वायर लगा के। और ब्रेक स्विच का वायर है ना अपना, आगे के ब्रेक पे एक ब्रेक स्विच का वायर रहता है, एक मेन रहता है और एक लाइट का रहता है, तो उसमें एक वायर लगा देना है। बटन का एक वायर में लगा देना है वो ब्रेक स्विच का वायर, दूसरा वायर बटन में लगा देना है। तो हमारा वायरिंग हो गया है, लाइट देखो कैसा दिखता है। और आपको कैसा भी वीडियो चाहिए लाइट के ऊपर और सामान के ऊपर, मोटिफिकेशन का कोई सामान चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हो कौन सा रेट क्या है, आपको हम रिप्लाई देंगे।